नमस्कार, आप देख रहे हैं स्मार्ट बिजनेस प्लस दीपक कुमार के साथ। और समय हो चुका है दिनभर की बड़ी खबरों में से खेती किसानी की मुख्य बड़ी खबरों का। बता दें कि आज की वीडियो में हम जानेंगे मई महीने में कौन कौन सी सब्जियां आप लगा सकते हैं जिससे आपकी अच्छी खासी इनकम हो सके। आज की वीडियो काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए, कृपया इसको लास्ट तक देखते रहें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर मई महीने में कौन कौन सी सब्जी आप लगा सकते हैं जो कि आपके लिए फायदेमंद होगी। तो इसके लिए आपके लिए क्या करना होगा, अपनी खेत की जो तैयारी है वो ठीक है, लेकिन इसमें आप अभी मई महीने में कद्दू, केंता, चचिंडा जिसे बोलते हैं वह लगा सकते हैं, कुंदरी लगा सकते हैं, करेला लगा सकते हैं, वॉडी जिसे रौसा बोलते हैं वह लगा सकते हैं, बरबटी भी जिसे बोलते हैं वह भी लगा सकते हैं, कटोला लगा सकते हैं, लौकी लगा सकते हैं, भिंडी लगा सकते हैं, गिलकी लगा सकते हैं आप, तुरई लगा सकते हैं, लाल साग लगा सकते हैं, चौलाई लगा सकते हैं, मूली लगा सकते हैं, मक्का लगा सकते हैं, पत्ता गोभी लगा सकते हैं, फूल गोभी लगा सकते हैं, ब्रोकली लगा सकते हैं, टिंडा लगा सकते हैं, बैंगन लगा सकते हैं, टमाटर लगा सकते हैं और मिर्ची लगा सकते हैं। ये कुछ ऐसी महत्वपूर्ण फसलें हैं जो कि किसान भाई हमारे लगा सकते हैं मई महीने में। अब आप कहेंगे कि भाई ये तो वैसे कोई इतनी सब्जियां या फसलें नहीं बताता, आप इतनी बता रहे हैं, क्या वाकई में ये लगाई जा सकती है या नहीं? तो देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मान लीजिए कि यदि नहीं लगाई जा सकती तो फिर मार्केट में बीज क्यों मिलते, क्योंकि हमने जो भी सब्जियां या फसलें बताई आपके लिए उन सभी के सीड्स आपके लिए मार्केट में उपलब्ध मिल जाएंगे जो कि मई महीने में लगा सकते हैं आप, अप्रैल महीने में भी लगा सकते हैं, उधर जून महीने में भी लगा सकते हैं। और यदि आप मई महीने में लगाएंगे तो बरसात की ये फसलें हैं आपकी और बरसात में अच्छी खासी इनकम देगी, और बरसात के लिए आपके लिए अभी से मई और जून से ही तैयारी करनी होगी। यदि आप चाहते हैं कि बरसात के लिए लगाएंगे तो बढ़िया बारिश हो जाएगी, फिर जून जुलाई में लगाएंगे तो फिर बेचेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। यदि आप अभी से मई और जून में इन फसलों की बुआई कर देंगे तो बरसात जैसे स्टार्ट होगी तो सभी किसान भाई लगाएंगे और आपकी मार्केट में बिकने के लिए तैयार होगी फसल, तो आपके लिए अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। और आपके यहाँ की मंडी में किस तरीके से भाव चलते हैं या मंडी कैसे चलती है वो आपके लिए थोड़ा देखना होगा। मिर्ची की बात करें तो मिर्ची आपके लिए घाटा नहीं देगी, बस उसमें रोग वायरस नहीं आना चाहिए। कुछ किसान भाइयों के कमेंट्स थे कि सर मिर्ची लगाएंगे तो क्या फ़ायदा होगा या नहीं, तो देखिए भाई, यदि मिर्ची 10 रुपये पर केजी भी बिकती है, हरी ग्रीन मिर्ची आपकी मंडी में, तो भी कोई घाटा नहीं है। बस शर्त यह है कि मिर्ची खेत में अच्छे से बन जाना चाहिए, पेड़ में यदि कोई नुकसान नहीं है, वायरस नहीं है, तो आपको लिए फ़ायदा अवश्य होगा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बैंगन भी काफ़ी अच्छा बिकता है बरसात में और ये मोटी फसल है, लंबी फसल है, तो ये भी आपके लिए फ़ायदा दे देगी। दूसरी मक्का भी फ़ायदा दे सकती है आपके लिए, और गिलकी और लौकी और करेला ये भी फ़ायदा दे देगा आपके लिए, आप चाहें तो ये भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा मेन पर्पस यही है कि आप मई महीने में कौन कौन सी सब्जियाँ लगाएं जिससे कि आपकी इनकम अच्छी हो। वैसे तो सभी सब्जियों में से जो आपको उचित लगे वो लगा सकते हैं, लेकिन जो हमने कुछ खास और चुनिंदा फसलें बताई है उनसे आप अपनी अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपके लिए वीडियो में दी गई जानकारी पसंद जरूर आई होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारी मेहनत को सफल बनाएं, ताकि हमें भी खुशी हो कि आपको वाकई में जानकारी पसंद आ रही है। आप किस तरह की जानकारी हमसे प्राप्त करना चाहते हैं, कृपया वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और जल्दी से सब्सक्राइब करें स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन नोटिफिकेशन को, ताकि इसी तरह की काम की खबरें मिल सके आपको सबसे पहले। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।